Hello guys and welcome to my channel. तो वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपके वो हर दिन अपडेट्स आते रहें। तो एज पर द लेटेस्ट न्यूज़, मॉडर्नाइजेशन कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम टू सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी एंड इम्प्रूव क्लाइंटेल। तो बेसिकली ये आई थी जनवरी 31st को एंड ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है गाइस, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। यह है इमिग्रेशन इज़ द इंजन ऑफ द कैनेडियन इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इनके पास पैसा आता है वह इमिग्रेशन के थ्रू आता है, स्टूडेंट्स के थ्रू आता है, विजिटर के थ्रू आता है। तो जैसे कि पेंडेमिक की वजह से इमिग्रेशन स्लो गई थी, वो इंक्रीज़ करेंगे इस टाइम पर, तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये स्पीच दी गई थी मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू, ऑनरेबल शॉन फ्रेजर के थ्रू, एंड इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है इस न्यूज़ के अंदर गाइस। तो मैं इसके नीचे लिंक भी आपको दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं, जिससे कि आपका वीज़ा जल्दी आएगा और ज़्यादा इमिग्रेशन होगी और ज़्यादा लोग लिए जाएंगे। तो बेसिकली देख सकते हो कि आप दिखा रहे कि लेबर शॉर्टेज भी हो रही है, पीआर जिनका पीआर नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स एंड परमानेंट रेजिडेंट कार्ड रिन्यूअल्स के लिए स्पीड जो कम हो गई थी वो जब फिर से तेज़ करने की कोशिश में जा रही हैं वो। तो बेसिकली इमिग्रेशन रिफ्यूजी IRCC ने क्या किया है, 500 लोग और हायर करे हैं प्रोसेसिंग स्टाफ के थ्रू, जो कि आपका ऑफिसेज में हर जगह अराउंड द वर्ल्ड होंगे, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी, डाटा हैंडलिंग, एनालिस्टिक्स वगैरह, मतलब कि काफ़ी सारे 500 लोगों को हायर किया है, जिससे कि 87% फास्टर होगा एप्लीकेशन का रिजल्ट, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे वो पीआर हो, चाहे वो स्टडी परमिट हो गाइस। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतने सारे परमानेंट रेजिडेंट्स थे 2022 के क्वार्टर में, और काफ़ी सारे परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई भी किया है इन लोगों ने, और ये 2019 से ज़्यादा है। पेंडेमिक के थ्रू वो स्लो हो गए थे, लेकिन अब फिर से ज़्यादा हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक साल के अंदर नए एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसको हैक ट्रैकल करने के लिए उन्होंने ट्रैकर नया लाए हैं, परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन ट्रैकर, जो कि फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ है। IRCC ने ऑनलाइन टेस्टिंग भी इंक्लूड कर दिया, लॉन्च वर्चुअल सिटीजन सेरेमनीज, जो कि आपका जब सिटीजनशिप मिलती है आपकी एक सेरेमनी होती है, वो भी लॉन्च कर दिया है वर्चुअल के थ्रू, जिससे कि आपको मिल जाएगा PPR। और ये क्वोट जो है, आई नो दैट प्रोसेसिंग डिले हैज़ बीन इनक्रेडिबल फ्रस्ट्रेशन फॉर मैनी इंडिविजुअल्स हेल्पिंग क्लाइंट्स कम टू कनाडा क्विकली। तो बेसिकली कहना चाहता है कि सबको पता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रखी, क्योंकि काफ़ी लोगों को वीज़ा नहीं मिल पा रहे हैं टाइम से, काफ़ी लोग कितना टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से, काफ़ी लोग तो कई सालों से वेट, एक साल से ऊपर से वेट कर रहे हैं जिनका PPR नहीं आया है। तो बेसिकली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आपका वीज़ा टाइम पे आ जाए, एंड इन्होंने बड़े सारे नए नए रूल्स लाए हैं, नई चीज़ें लाए हैं, नई स्कीम्स लाए हैं, जिससे कि थ्रू आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। सो बेसिकली RCS कमिटेड टू फेयर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एप्लीकेशन ऑफ इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, चेक प्रोसेसिंग टाइम टूल नए लॉन्च हुए, जिससे कि आप प्रोसेसिंग टाइम लॉन्च देख सकते हैं कितना टाइम लगता है बेसिकली एप्लीकेशन में। रिकॉर्ड कर स्टडी परमिट की 2019 से 32% इंक्रीज है स्टडी परमिट की, 32% इन 2022, और काफ़ी सारे स्टडी परमिट के लिए अलाउ भी किए हैं गाइस। तो बेसिकली न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये सारी नई न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कनाडा के, तो मैं नीचे एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं अपने ढंग से डिटेल में। तो जैसे कि कहा था, बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिससे कि आपके नए PPRs आएंगे, स्टडी परमिट के लिए हेल्प होगा, विजिटर वीज़ा की सब सारी फाइलें स्टार्ट हो जाएंगी तेज़ी से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो।